नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिट से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, दिस इज अगेन फ्रॉम द फ्लिट मैकेनिक्स। दिस इज जो काफी स्टूडेंट्स ने यानी कि कमेंट किया था कि सर इस टॉपिक पे जरूर वीडियो लेके आएगा, यानी कि दिस इज द काइट न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो चैप्टर है दिस इज द ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स का है। सो दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑन ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स टाइप वन। मैं दोनों काइट के प्रॉब्लम्स लेके आने वाला हूं जो क्वेश्चन आर के बंसल में दिया हो। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी ऐसी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोज आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आप इसी चैप्टर यानी कि ड्रैग फोर्स एंड लिफ्ट फोर्स का ये जो चैप्टर है, इसी के तमाम जो दूसरे वीडियोस हैं, दूसरे टॉपिक्स हैं, वो भी मिल जाएंगे। साथ में मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाता हूँ, देन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, देन 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री जो सीबीएसई बोर्ड है वो पढ़ाता हूँ, तो आपके उनके भी वीडियोज मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट फोर्स टाइप वन। ठीक है, अभी क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज हिंदी में इसको लिखेंगे, समझेंगे, साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल जब भी किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है तो गिवन डेटा लिखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, एटलीस्ट आप डायग्राम बनाइए और गिवन डेटा लिखिए तो एटलीस्ट यू विल गेट 2 मार्क्स, एक से 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स है तो 1 मार्क्स, 10 मार्क्स है तो एटलीस्ट 2 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ काइट 0.8 मीटर इंटू 0.8 मीटर वेइंग 3.924 न्यूटन assumes an angle of 12 degree to the horizontal। बोल रहा है कि एक काइट है जिसका जो एरिया है, देखिए दिस इज लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो मतलब ये एरिया है, एक काइट है, ठीक है, तो जिसका जो एरिया दिया हुआ है दिस इज 0.8 इनटू 0.8। अब इसकी भी यूनिट मीटर में है, इसकी भी यूनिट मीटर में है, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 8 × 64 तो 0.64 मीटर स्क्वायर। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर इंटू मीटर इज, मैं देख लेता हूं एक बार, 0.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसका जो खुद का वजन है उस काइट का 3.924 न्यूटन है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं दैट वेट ऑफ द काइट, ठीक है, वेट ऑफ द काइट कितना दिया हुआ है 3.924 न्यूटन। ओके, अब अगर काइट उड़ रही है हवा में तो वो कुछ एंगल बना रही है 12 डिग्री का हॉरिजॉन्टल से। सपोज ये है काइट, आप जो देख रहे हैं ना काइट का साइड व्यू देख रहे हैं, सपोज ये है हमारी काइट, ठीक है, ये हमारी काइट। ओके, और एक काम करूंगा मैं अलग कलर से आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, क्लियर हो गया। ओके, ये है हमारी वाई एक्सिस और ये जो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है ये हमारी काइट है, हो गया क्लियर। ओके चलिए, हाँ तो इस काइट को मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ओके, तो ये कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है आप देख रहे हैं, जो साइड व्यू है, देखिए काइट सामने से फ्रंट व्यू तो ऐसे दिखेगा काइट का, मगर अगर काइट ऐसे उड़ रही तो आपको तो एक लाइन दिखेगी, क्लियर हो गया, ये ऐसे लाइन दिख रही, तो ये है, तो ये जो दिख रही है ना आपको, तो ये लाइन, ये वाली लाइन, यही चीज यहां पे दिख रही है, ठीक है। ओके, तो कितने डिग्री से इंक्लाइंड है, दिस इज 12 डिग्री, ठीक है। ओके चलिए एक काम करता हूं, मैं कलर यानी कि पेन का चेंज कर लेता हूं, दिस इज क्वाइट हैवी हो रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, एंगल हो गया, तो ये काइट उड़ रही है तो डेफिनेटली ये कुछ स्ट्रिंग भी होगा, धागे की मदद से उड़ रही होगी, तो सपोज ये है आपका धागा, ठीक है, यह है स्ट्रिंग, तो यहां पे लिख देता हूं दैट दिस इज आवर स्ट्रिंग, STRING, और यहां पे लिख देता हूं दैट दिस इज काइट, ठीक है, ये काइट है हमारी। ओके, तो अब क्या बात कर रहे हैं, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। देखिए ये रेड लाइन जो है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये जो है ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ये बोल रहा है कि जो धागा है स्ट्रिंग, मतलब धागा जो अटैच है काइट को, वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, किसके रेस्पेक्ट में, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में, तो हॉरिजॉन्टल तो ये एक्स एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में हमारी जो ये धागा है, ठीक है, वो बना रहा है 45 डिग्री, क्लियर हो गया ये भी, ठीक है। तो जो धागा था जो अटैच है काइट को, ठीक है, ये हमारा धागा है ये वाला, तो काम करूंगा, ठीक है, फिलहाल तो मैंने स्ट्रिंग को ब्लैक कलर से बता दिया है, ठीक है, तो वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पुल ऑन द स्ट्रिंग इज 24.525 न्यूटन। देखिए अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूं तो कुछ पुल तो बैठ रहा होगा ना, खिंचाव तो बैठ रहा होगा आपकी काइट को इस धागे की वजह से, तो जो पुल है नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ, वो कितना है, इसको नाम दे देंगे हम, सपोज मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने टी लिया है या पी लिया है, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके, यहां पे तो मैंने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है पुल, वेट अ मिनट, हां मैंने टी की वैल्यू से मेंशन किया हुआ है, सपोज टेंशन, यानी कि जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग में टेंशन आ गया, ठीक है, तो दैट पुल, पुल को ही हम टेंशन बोलेंगे, दिस इज, दे हैव गिवन 24 पॉइंट, कितना दिया हुआ है
525 न्यूटन। तो यहां पे मैं ये भी लिख दूंगा दैट टी यानी कि टेंशन जो है बैठा हुआ है आपके स्ट्रिंग में, धागे में, यानी कि पुल जो है, खिंचाव जो है वो इतने फोर्स का है, 525 न्यूटन का। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आपकी काइट उड़ रही है तो काइट तो इन फ्रंट ऑफ विंड ही उड़ेगी अगर हवा होगी, और ये जो हवा है ये u किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिलहाल देख लेते दिया हुआ है क्या, व्हेन द विंड इज फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये जो u की वैल्यू है, काम करता हूं इसको मिटा देता हूं, u दिया हुआ है, दिस इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैं यहां पे ये भी लिख लेता हूं दैट दे हैव गिवन कैपिटल u जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दिया हुआ है। ओके, फाइंड द कोरस्पोंडिंग कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट, तो फाइंड आउट कीजिए क्या क्या, यहां पे लिखता हूं जो बाकी बचा हुआ डेटा है, CD coefficient of drag and coefficient of lift भी find out कीजिए। Okay, density of air is given, आपको मालूम है density of air कितना होता है, this is rho of air, यहाँ पे लिख देता हूँ, they have given 1.25 kg per meter cube। I hope आपको सारा given data समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस question को मिटा देते हैं और चलते हैं कैसे करना है, ठीक है। ओके, अब आपको मालूम है कि हमारी काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, तो ये हवा में जाके कहीं तो स्टेबल हो जाएगी ना, स्टेबल तो होगी, तो कहने का मतलब है कि ये काइट आपके रेस्ट पे आ गई है, समझ रहे हैं, ये काइट ऐसे ही स्टेबल हो जाएगी हवा में, कुछ मतलब विंड की जो भी डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में, और ये इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपकी काइट जो है ये रेस्ट पोजिशन में मेंटेन हो जाती है, तो हम यहां पर हम इस काइट का लगभग आप देख रहे हैं हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, लिख देता हूं दैट दिस इज योर फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें जो भी सपोर्ट्स होते हैं वो हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, फोर्सेस का यूज करके, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर आप ऐसे ही कुछ एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ काइट, हम ये देख रहे हैं काइट पे कि कौन कौन सी फोर्सेस है अवेलेबल, अभी हमने पूरी फोर्सेस बनाई नहीं है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं, आपकी जो विंड की डायरेक्शन है ये है, विंड का मोशन इस साइड में, ओके, तो एक्स डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपकी विंड चल रही है वहां पे एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है, एफडी, क्या बोलेंगे उसको, एफडी, जिस डायरेक्शन में विंड है ये ड्रैग फोर्स उसी डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर, और एक दूसरा रहता है, देखिए जिस डायरेक्शन में आपकी विंड है यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी ड्रैग फोर्स है उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स होती है FD के, वो जो फोर्स होती है दैट इज लिफ्ट फोर्स, जो लिफ्ट देती है, ठीक है, काइट को, समझ में आ रहा है। तो दो तरह की जो फोर्सेस होती है विंड द्वारा एग्जर्ट की जाती है, एक तो ड्रैग फोर्स, और ये भी FD देने का काम कौन कर रहा है, विंड ही दे रहा है, लिफ्ट फोर्स भी देने का काम कौन कर रहा है, आपका विंड ही कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, द फोर्स विच इज एग्जर्टेड बाय द विंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन यानी कि एक्स एक्सिस में वो है FD, और जो फोर्स एग्जर्ट की गई है विंड द्वारा बट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन इस साइड है मगर ये है इसके परपेंडिकुलर, वो होती है लिफ्ट फोर्स, तो ये फोर्सेस एक्ट करेंगे। और दूसरी चीज, और देखिए काइट का जो वेट है वो सेंटर से नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यहां पर वो क्या है, हमने दिया हुआ है डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू लिखी हुई है, लगभग हमारा फ्री बॉडी डायग्राम रेडी हो गया है। अब मान लेते हैं कि ये जो आपकी काइट है ये स्टेबल हो गई है, इक्विलिब्रियम में आ गई है, रेस्ट पोजिशन में आ गई, क्योंकि काइट एक जगह हवा में स्थिर हो जाती है, एकदम स्टिल हो जाती है। तो आपको मालूम है हम थ्री लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम हम यूज करते हैं, दैट इज समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, यहां पे हम जो यूज करने वाले हैं समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम ये वाला लॉ यूज करेंगे, लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, जो जो भी फोर्सेज हमारी एक्स डायरेक्शन में उसको निकालेंगे। ओके, तो कौन कौन सी फोर्स है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एफ डी आपकी, देखिए यहां पर जो फोर्स जा रही है पॉजिटिव, उल्टी डायरेक्शन में जो आ रही है वो नेगेटिव होगी, ठीक है, FD, FD पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रही है तो FD, क्लियर हो गई। ओके, देन और कौन सी फोर्स है, ये तो फोर्स ऊपर जा रही है, ये वाली, ये तो काइट है भाई, ओके, यहां पर तो कोई फोर्स नहीं है, यहां पर आ गई ये वाली फोर्स जो टेंशन की वजह से था। अब देखिए कोई भी फोर्स अगर टेढ़ी होगी तो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बोला, एक फोर्स इस साइड निकल जाएगी, इसी का कंपोनेंट होगा, मेन टी का ही कंपोनेंट होगा, और ये फोर्स, कोई भी फोर्स जो टेढ़ी हो वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। अब ये वाली जो फोर्स एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सिस में, तो वो हो जाएगी टी कॉस 45। याद रखिएगा जो एंगल बनाया जा रहा है वो एक्स एक्सिस से ही होना चाहिए, अगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ तो उसे एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कीजिए, फिर ये लिखिए टी कॉस 45, और जो नीचे जा रहा है दैट विल बी टी साइन 45।
फाइन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके तो एफडी ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये ऊपर जा रही थी फोर्स, ये नहीं लेंगे यहां पर, तो ये कोई फोर्स नहीं है, ये तो काइट है, इधर भी कोई फोर्स नहीं है, तो ये है टेडी फोर्स। मगर फोर्स टेडी है और इंक्लाइंड है 45 डिग्री पे, तो ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है, एक टी कॉस 45, एक टी साइन 45। मगर हमें टी साइन 45 नहीं लेनी है, मेन फोर्स भी नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसी से दो फोर्सेस डिवाइड हुई है। तो जो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है ये वाली फोर्स, वो लेनी है। तो दैट इज, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो साइन होगा नेगेटिव, एंड दैट विल बी टी कॉस 45, और कोई फोर्स नहीं है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप निकालेंगे दैट एफ डी इक्वल टू, ये नेगेटिव उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, टी कॉस 45। अब आपको मालूम है टी की वैल्यू दी हुई है, टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, दिस इज टी की वैल्यू पुट कर देता हूं, 24.525 कॉस 45, क्लियर हो गया। सो देयरफॉर एफडी कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 17.3417 न्यूटन। तो जो आया है मैं यहां पे लिख देता हूं, दैट एफडी हमने जो कैलकुलेट किया, एफडी इक्वल टू 17.3417 न्यूटन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ओके चलिए अब चलेंगे हमारा ये जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, हमने काइट का इक्विलिब्रियम कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे अभी हमारा दूसरा लॉ इक्विलिब्रियम का, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो भी फोर्सेस वाई डायरेक्शन में ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है उनका सम जीरो होता है। ऊपर जाने वाली फोर्सेस को पॉजिटिव लेना है, नीचे वाली जाने वाली फोर्सेस को नेगेटिव लेना है। ओके तो एफडी तो ये तो राइट साइड में जा रही है, इसको लेना नहीं है, तो एफ एल ऊपर जा रहा है, ऊपर को हम पॉजिटिव लेंगे, सो एफ एल, ठीक है। ओके ये तो काइट है हमारी, काइट को नहीं लेना है, ये तो डॉटेड लाइन है, यहां पर कोई फोर्स नहीं है, तो यही वो फोर्स है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक टी कॉस 45, एक टी साइन 45, समझ में आ रहा है। ओके तो हमें ये वाली फोर्स तो लेनी नहीं है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल में जा रही है, नीचे जा रही है, तो जैसे टी साइन 45 नीचे जाने वाली फोर्स को हम नेगेटिव लेना है, तो टी साइन 45 डिग्री। ओके दूसरा और कौन सा फोर्स है, चलो ये डब्ल्यू नीचे जा रहा है, जो खुद का वेट है काइट का, वो कितना है, दिस इज दे हैव गिवन 3.924, नीचे जा रहा है, नेगेटिव आएगा, सो देयरफॉर योर क्या आ जाएगा, ये 3.924 इक्वल टू जीरो। ओके अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, इस दोनों टर्म को नेगेटिव साइड है, ये राइट हैंड साइड पे लेके जाइएगा, तो दैट विल बी पॉजिटिव टी साइन 45 प्लस 3.924, सो देयरफॉर एफ एल इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 24.525 साइन 45 प्लस 3.924, क्लियर हो गया। ओके देयरफॉर एफ एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 21.265 न्यूटन। चलो ये भी आ गया हमारा। ओके सो देयरफॉर एफ एल इक्वल टू 21.265 न्यूटन, क्लियर हो गया ये। ओके तो चलिए ये भी हो गया हमारा, ठीक है। ओके अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, ड्रैग फोर्स, यानी कि ड्रैग कोफिशिएंट, एक्चुअली में ड्रैग फोर्स तो निकाल लिया हमने, जो ये वो एफ डी फोर्स थी जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ थी, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन है विंड का, उसी डायरेक्शन में ये आपका ड्रैग फोर्स रहता है, जो ऑफर किया जाता है इस काइट द्वारा, ठीक है। ओके यानी जिस तरह से बॉडी का शेप होता है, चलिए मैं अभी पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा हल्का हो रहा है, ठीक है, चलिए थोड़ा गौर कीजिएगा। ओके तो अब आपको मालूम है दैट एफ डी इज इक्वल टू सी डी रो ए यू स्क्वायर बाय टू, ड्रैग फोर्स ऐसा दिया जा सकता है, हमें चाहिए था वो सी डी की वैल्यू, तो यहां से मैं सी डी की वैल्यू निकाल लूंगा, देखो सी डी इक्वल टू एफ डी ड्रैग फोर्स इंटू टू डिवाइड बाय रो ए यू स्क्वायर, क्लियर हो गया। देखो सी डी की वैल्यू अगर पुट करेंगे एफ डी की वैल्यू कितनी है, वो है हमारी 17.3417 इंटू, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या ठीक है। अब रो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर, सो देयरफॉर दिस इज 1.25, एरिया क्या है, दिस इज 0.64, वेलोसिटी क्या है, याद रखिएगा ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यूनिट जो है ये आपकी ऐसा यूनिट में नहीं है, तो सबसे पहले इस वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में लेके आइए, किस यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में, सबसे पहले मैं यू इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर लिखूंगा। ओके तो मैं क्या करूंगा, इस किलो को एब्सॉर्ब करा लूंगा, क्योंकि हमें मीटर पर सेकंड चाहिए ना कि किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो 30 इंटू किलो मतलब एब्सॉर्ब करा है, मतलब 1000 मीटर यहां पे आ गया। ओके आर को मेरे को सेकंड में बनाना है, तो किलोमीटर पर आवर, पर मींस वन आर को मैं अगर सेकंड्स में लूंगा तो दैट विल बी 3600 सेकंड्स, तो ये लगभग जो यू आता है, यू की वैल्यू
This is coming out to be 8.333 meter per second. Clear हो गया? Okay. तो चलिए यहाँ पे value हम put कर देते हैं. This is 8.333 और ऊपर है square. तो अगर आप इसे निकालेंगे, the CD is coming out to be कितना रहा? This is coming out to be 0.62. यानी कि ये इतना drag coefficient offer किया जा रहा है आपके kite द्वारा. 435. चलिए तो CD आ गया. अब वैसे ही मैं क्या निकाल लूँगा? This is coming out to be what? CLB निकाल लूंगा. तो आपका अगर आप गौर करेंगे, FL क्या है आपका? This is FLB, यही फॉर्मूला है लगभग rho a u square by 2. So therefore अगर हमें CL चाहिए, so that will be FL into 2 divided by rho into a into u square. तो देखिए सेम ही चीज है. ओके, 30 किलोमीटर था ना इसका. ओके, यहां पे लिख देता हूं अच्छे से. So therefore CL equal to FL कितना है? 21.265 into 2 divided by rho. Rho कितना था? 1.25 into area, 0.64 into U. This is 8.33 का square. अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जो CL आ रहा है, this is coming out to be 0.7656. Clear हो गया? चलिए इसकी unit भी देख लेते हैं, टाइम है हमारे पास तो. ठीक है, फिलहाल तो ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं. दोनों की यूनिट तो सेम ही रहेगी. पहले देख लेते कितनी यूनिट है इसकी. यूनिट क्या थी? FL, ये तो न्यूटन में था. ओके, ये 2 था, 2 की तो कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, 1.25 ये तो केजी पर मीटर क्यूब था. मीटर क्यूब पलट के ऊपर आ जाएगा. ठीक है, ओके. 0.64 ये तो मीटर स्क्वायर में था. ओके, ये क्या है? ये मीटर पर सेकंड पे थी इसकी यूनिट, मगर स्क्वायर लगने की वजह से ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हुआ. सेकंड स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा. क्लियर हो गया? सेकंड स्क्वायर पलट के ऊपर आ जाएगा. अब न्यूटन और ये तो कट नहीं रहा है, तो आपको मालूम है न्यूटन कैन बी रिटन एज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो इस न्यूटन को मिटा के मैं क्या लिखूंगा? केजी इनटू मीटर और सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा. ठीक है, ओके. तो अब केजी केजी कैंसिल, सेकंड स्क्वायर कैंसिल. तो क्या बाकी है भाई? देखो, मीटर इनटू मीटर क्यूब, मीटर रेज टू 4, तो नीचे भी मीटर स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर, मीटर रेज टू 4 है, तो सब कैंसिल हो जाता है. कोई यूनिट नहीं आएगी, ना ही सीडी की, ना ही आपकी सीएल की. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू रेट कमेंट. मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद. थैंक यू.